hello everyone in our previous lectures we have done our quotient number 1 to 18 so today we will do our next quotient number 19 Question number 19 is show that the function defined by g of x is equals to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points here दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स यहाँ पे उसने आपको क्या दे रखा है कहता ये जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिम्बल होती है ये ब्रैकेट लाइक क्लोज्ड ब्रेकेट इसको बोलते हैं राइट right? तो उसने हमें वहाँ पे दे रखा होता है कि ये फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जैसे यहाँ पे उसने आपको दे रखा है राइट right? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीज़र फंक्शन होता क्या है देखो एक्चुअली इसका जो नेम है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन जो इसकी वैल्यू आती है हमें सॉल्व करने पे वो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीज़र होता है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीज़र दे रखा है वन पॉइंट नाइन नाइन तो ये ग्रेटेस्ट इंटीज़र दे रखा है वन पॉइंट नाइन नाइन तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वन ठीक है मतलब y अगर मैं इसको रख लूँ कि ये y के इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी आएगी वन क्यों क्योंकि देखो वन पॉइंट नाइन नाइन किसके अंदर लाई कर रहा है वन एंड टू के अंदर लाई कर रहा है तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट इंटीजर जो भी होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ वन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे होगा वन पॉइंट टू थ्री तो ये भी किसके अंदर लाई कर रहा है वन और टू के तो कितना आएगा ये अगर मेरे पास टू पॉइंट थ्री थ्री है ये टू एंड थ्री के अंदर लाइक कर रहा है तो कितना आएगा टू लाइक दिस इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन राइट उसने जो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर में उसने आपको फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स तो एक्स माइनस क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेकिन उसने कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा उसने बोला फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो है लेकिन ये नहीं बोला कि किस पॉइंट पे है तो यहाँ पे हम अपनी ओर से कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके चलेंगे तो सबसे पहले लेट सी बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एट विच वी विल चेक द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी राइट तो सी कोई मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया तो सी नेगेटिव करूंगी सी पॉजिटिव करूंगी राइट right? लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव ये एट एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक कर रहे हैं हम लोग तो फंक्शन तो जी ऑफ़ एक्स दे रखा है मैं लिखूंगी यहाँ पे लेट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव सी नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली उसकी वैल्यू सी तो नहीं है सी से कुछ कम है इसका मतलब यही होता है मेरे पास तो फंक्शन तो ये था वैल्यू सी तो नहीं है सी से कम है इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी माइनस एच और एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है लाइक पॉइंट नाइन 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 पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन कुछ भी ठीक है बहुत छोटी सी वैल्यू तो यहाँ मैं करूँगी एच टेंस टू ज़ीरो ये मैंने उल्टा लिख दिया ये इधर था और ये यहाँ पे राइट right, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एच टेंस टू जीरो यहाँ हो गया मेरे पास सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया ये चीज़ आपको यहाँ पे भी समझनी पड़ेगी एच टेंस टू ज़ीरो सी माइनस एच यहाँ पे तो मैं ज़ीरो कर दूंगी लेकिन जब यहाँ पे हम लोग कुछ माइनस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर टू माइनस मैं कर रही हूँ ज़ीरो पॉइंट कुछ भी ज़ीरो 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 वन तो यहाँ पे एक वैल्यू पीछे जाएगी मेरे पास राइट तो यहाँ मतलब कि कुछ ना कुछ माइनस होगा हमारे पास चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो आप मान लो यहाँ पे सी मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सी हमारे पास क्या है सी इक्वल्स टू फाइव दे रखा है उसने राइट अब जब मैं लिखूँगी सी मतलब ऐसे एच मेरे पास वन तो नहीं है राइट एच हमारे पास वन तो नहीं है कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू है मान लो ये है कुछ भी जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा फोर पॉइंट नाइन 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 फोर पॉइंट नाइन नाइन जो भी तो ये किसके अंदर रहा है फोर एंड फाइव के अंदर लाई कर रहा है ना तो मतलब यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ फोर तो फाइव थी एक कम हो गई फोर मतलब जब मैं इसको खोल लूंगी तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी सी माइनस वन जनरली बात कर रही हूँ क्योंकि हमें सी एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि यहाँ पे सी क्या है राइट right? तो ये हो गया हमारे पास अभी एच ज़ीरो पुट कर देंगे सी माइनस जीरो ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू कितनी आ गई वन ये आया एल एच एल मेरे पास मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम चेक करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगी ये भी देख लेते हैं ऑफ एक्स तो यहाँ लेट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव फंक्शन मेरे पास वही है जो आपको प्रोवाइड किया गया है लेट लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो सी प्लस सी तो नहीं है सी प्लस मतलब कुछ ज़्यादा है तो एच टेंस टू जीरो एच यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच सिमिलरली जैसे हमने माइनस किया यहाँ पे फिर से अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सी फिर से हमारे पास फाइव है तो फाइव प्लस अब मैंने आपको पहले ही बताया एच कोई बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी मान लो मेरे पास जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन है जीरो पॉइंट नाइन नाइन है तो ये फिर से किसके अंदर लाई है फाइव एंड सिक्स के अंदर लाइक है अब फाइव एंड सिक्स के अंदर है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ फाइव हुआ राइट तो वैल्यू क्या आएगी फाइव मतलब यहाँ पे सी प्लस एच है तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास सी आएगी तो ये सी हो गया लिमिट फिर से मेरे पास एच टेंस टू तो जीरो है अभी इसको एच जीरो पुट करोगे तो सी माइनस सी जीरो हो गया तो एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल ये तो इक्वल आया ही नहीं तो फंक्शन इज डिसकटिन्यूस राइट Hence, proved. ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन ये चीज़ थोड़ी सी ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको समझनी पड़ेगी ये थोड़ा ध्यान में रखना या जब भी कन्फ्यूज़न हो माइनस में तो क्या करना है जैसे यहाँ एक्स दे रखा है हमें है ना तो मैं यहाँ पे सी माइनस एच लेके चली फॉर एग्जाम्पल जैसे नेगेटिव लेफ्ट वाली लिमिट में हमने क्या किया मैंने सी को कुछ भी लेट कर लिया और एच मुझे पता है कि मेरी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है बहुत ही छोटी सी वैल्यू होती है तो मैंने यहाँ पर लिखा कि फाइव माइनस मेरे पर जीरो पॉइंट नाइन 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 कुछ भी आ गया तो जीरो पॉइंट नाइन नाइन फोर पॉइंट समथिंग बनेगा फोर पॉइंट समथिंग में से मैं फोर ये लाइक करेगा मतलब फोर और फाइव में तो वैल्यू फोर ही आएगी मतलब एक कम आएगी तो यहाँ पर अगर सी था सी माइनस एच करेंगे तो सी माइनस वन बन जाएगा मतलब एक वैल्यू कम आएगी जो भी यहाँ पे सी दे रखा होगा तो इस नेगेटिव वाले में इसीलिए हमने क्या किया था c माइनस वन किया था राइट तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दे रखा है उसने. कहता क्या जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये वाला कंटिन्यूस है कंटिन्यूस के लिए क्या चेक करेंगे वही नेगेटिव पॉजिटिव और इक्वल का केस चेक कर लेते हैं और आंसर बताते हैं कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन उसने दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस फाइव हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे तो फर्स्ट सबसे पहले मैं इक्वल का केस चेक करी हूँ पाई पे तो क्या आएगा मेरे पास पाई स्केयर माइनस साइन पाई प्लस फाइव ये तो ऐसे ही आ गया साइन पाई ज़ीरो होता है प्लस फाइव मतलब इसकी वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस फाइव अगर किसी को साइन पाई की वैल्यू ना याद रहे तो ब्रेक करके चेक कर सकता है वैसे याद रखो सीधे वैल्यू इनकी ज़ीरो होती है राइट अभी मुझे चेक करनी है लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है साइन एक्स प्लस फाइव तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्योंकि पाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली पाई नहीं है पाई माइनस समथिंग है वो समथिंग क्या है मेरे पास एच मतलब एक्स की जगह पाई माइनस एच होल स्केयर माइनस साइन पाई माइनस एच और माइनस का सॉरी प्लस का फाइव एज इट इज तो पाई माइनस एच होल स्केयर खोलना है खोलो ऐसे ही लिखना है ऐसे लिखो लिमिट पहले ऐसे ही चलेगी एच टेंस टू जीरो पाई माइनस एच होल स्केयर माइनस साइन पाई पे नो no चेंज है ना तो साइन एच आ जाएगा सेकेंड क्वार्टर में सेकेंड में ऑलरेडी साइन होता ही है तो क्या आएगा साइन एच प्लस फाइव अब जीरो पुट कर देंगे साइन को क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बचेगा पाई स्केयर यहाँ साइन ज़ीरो बन जाएगा प्लस फाइव तो ये आ गया हमारे पास लिमिट नहीं लिमिट तो अब हमने पुट करनी है ना पाई माइनस ज़ीरो स्केयर माइनस साइन एच मतलब साइन ज़ीरो प्लस फाइव तो ये फिर से फाइव पाई स्केयर प्लस फाइव बन गया ये थी मेरी नेगेटिव लिमिट अब मुझे चेक करनी है एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव पे फंक्शन क्या था साइन एक्स प्लस फाइव है ना वैसे आपने पहले एफ ऑफ एक्स लिखना था मैंने सीधे ही पुट कर दिया है आप भी कर लेना यहां आएगा पाई प्लस एच होल स्केयर माइनस साइन पाई प्लस एच और ये प्लस का फाइव राइट अब फिर से यहाँ पे एच टेंस टू जीरो करेंगे तो पाई प्लस जीरो होल स्केयर माइनस साइन पाई प्लस जीरो प्लस का फाइव तो ये आ गया पाई स्केयर अब देखो साइन पाई नहीं ज़ीरो बाद में पुट करेंगे पहले तो ये हमें तो चेंज करना है ना यहाँ नहीं करना है मैंने क्योंकि तो मेरे पास तो ऑलरेडी ये होता ही है साइन पाई प्लस एच पाई प्लस एच मतलब सेकंड क्वार्डन में से कहा गया थर्ड पे पाई पे तो नो चेंज साइन का साइन ही आएगा साथ में एच तो कन्फर्म्ड है एंगल जो होता है वो आता ही आता है ना जो भी मेरे पास दे रखा है अब लेकिन यहाँ पे साइन नहीं होता तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस इसके साथ आएगा अब पुट करूँगी मैं ये जीरो यहां हो गया साइन जीरो प्लस का फाइव अब पाई स्केयर साइन जीरो जीरो ही होता है प्लस फाइव कितना आ गया पाई स्केयर प्लस फाइव तो तीनों लिमिट्स क्या आ गई इक्वल हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू तो पाई ये नेगेटिव ये रहा मेरा पॉजिटिव फंक्शन और ये रहा हमारा इक्वल therefore function f of x is continuous at x equals to pi this is our quotient number 20 so today we will do only we have done actually two questions 19 and 20 in our next lecture we will do our next questions thank you